तो आज हम लोग इतिहास के एक ऐसे वॉरियर की बात करने जा रहे हैं जिनके हेल्प के मुगल भी शुक्रगुजार हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि मराठा एम्पायर के 11th पेशवा थे और वो दिल्ली के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं श्रीमंत पेशवा रघुनाथ राव भट्ट जी की। तो आइए फटाफट से देखते हैं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट। इनका जन्म 18 अगस्त 1734 में माहुली नियर सतारा में हुआ था। जब ये सिर्फ 20 से 21 साल के थे तब इन्होंने युद्ध लड़कर उत्तर की दिशा में जाटों के साथ फायदेमंद ट्रीटी बना लिए थे, और कुछ समय बाद मुगल एम्पायर अहमद शाह बहादुर को बंदी बनाकर आलमगीर टू को पपेट मोनार्च बना दिया था। और जब 1756 में अहमद शाह अब्दाली इंडिया पे अटैक करना चाह रहा था तब रघुनाथ राव ने दिल्ली के वजीर इमाद उल मुल्क से मिलकर दिल्ली से अफगानियों को खदेड़ दिया था, और आगे चलकर मुगलों की रक्षा के लिए और अफगान इन्वेजन को इंडिया में रोकने के लिए मराठाओं ने पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली से लड़ा था।